जो न्यूमेरिकल्स हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे, लास्ट लेक्चर में आप चेक करो, ये हमने कर लिए थे स्नेल्स लॉ, म्यू ए सी बाई वी, जो लैम्डा होता है वो नहीं, जो मीडियम चेंज करते हैं तो लैम्डा डैश लैम्डा बाई म्यू होता है, ठीक है, ये सब हमने किया, हमने ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला भी हमने कर लिया। मैंने आपको जो लास्ट टाइम न्यूमेरिकल करवाए थे वो इसके अनसॉल्व प्रॉब्लम थी, तो सॉल्व आप एक बार खुद करेंगे, अनसॉल्व प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने कर ली, ये मैंने करवाई थी आप, एक ही बात है सॉल्व की जगह अनसॉल्व करवा दिया था। अभी जो नेक्स्ट आपने करना है, इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है वाई डी एस सी, वाई डी एस सी के अंदर कुछ फॉर्मूलाज हमने किए जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और ये फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी कर लिए, हालांकि इसके न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। न्यूमेरिकल में दो चार न्यूमेरिकल बता देता हूँ इसमें, जैसे टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव्स हैं, एम्पलीट्यूड ए और फोर ए है, फेज डिफरेंस पाई बाय थ्री है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव निकालो क्या होगा, तो लगा लेना रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ फाइव, फाइव आपको पता है, आंसर निकाल लेना, क्लियर है यहाँ तक। टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड फोर आई, अब इंटेंसिटी डिफरेंट है, आई नॉट नहीं, आई और फोर आई है, आर यूज्ड इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट्स वेयर वेव फ्रॉम टू सोर्सेज सुपर इम्पोज विद अ फेज डिफरेंस ऑफ जीरो पाई बाई टू एंड पाई, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेना, ये फॉर्मूला लगेगा फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू मत लगाना, क्योंकि वो तब लगता है जब इंटेंसिटी दोनों वेव की बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, आई वन आई टू है, तो ये फॉर्मूला पहली इंटेंसिटी आई वन गिवन है, दूसरी इंटेंसिटी आई टू गिवन है, तो सॉल्व करके फाइव को फाइव रखो, ये आंसर आ गया। पहला केस है अगर फाइव जीरो है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, आप फाइव को जीरो पुट कर देना। दूसरे केस में फाइव क्या है, पाई बाई टू पुट कर देना। तीसरे केस में फाइव क्या है, पाई पुट कर देना, आंसर कॉस पाई मैथ्स में माइनस वन होता है, मेडिकल वालों के लिए बता दूं तो पुट कर देना, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के, कह रहे एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा, टू पाई। लैम्डा का मतलब क्या होता है, वेव में टू पाई। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, एक वेव है, एक वेव का मतलब टू पाई, तो लैम्डा है, और इंटेंसिटी कितनी है, के यूनिट्स है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इंटेंसिटी रिजल्टेंट क्या होगी जहां पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय फोर, और आपके सारे आंसर के की फॉर्म में आने चाहिए। चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी के यूनिट्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, और हाँ इसके अंदर ये भी मेंशन नहीं है कि इंटेंसिटी आई वन आई टू लेनी है या क्या लेना है, जब कुछ मेंशन नहीं है तो इंटेंसिटी सेम लेंगे हम, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, तो इंटेंसिटी की वैल्यू इसमें क्या गिवन है, एट अ पॉइंट पाथ डिफरेंस लैम्डा इज के। देखो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, वो कह रहे इंटेंसिटी के यूनिट्स है, के यूनिट्स है, जब पाथ डिफरेंस कितना है बोलो, जब पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा पे फेज डिफरेंस कितना होगा, टू पाई, पुट करते हैं यहाँ पे टू पाई बाई टू, तो कॉस ऑफ पाई क्या होता है, माइनस वन, तो के की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाती है, यहाँ से के की वैल्यू आएगी फोर आई नॉट, माइनस वन का स्क्वायर तो वन है, तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, के डिवाइडेड बाय फोर, तो क्या है पॉइंट, क्लियर है, के बाय फोर, ठीक। नेक्स्ट है अब आपको क्या करना है इसमें, इसमें पहला पार्ट है आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, जो कि फॉर्मूला तो यही लगेगा इसमें, कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है जब पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय फोर, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाय फोर, तो बोलो फेज डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा का मतलब क्या होता है, टू पाई बाई फोर, यानी कि पाई बाई टू, ठीक है। तो आप इस फाइव को यहां पे पुट करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर, फाइव की जगह पाई बाई टू, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर क्या होता है, 45 डिग्री, वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर, तो आई नॉट बाई क्या आएगा, टू, टू और फोर कैंसिल तो टू आई नॉट, लेकिन I नॉट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कितना, K बाई फोर, तो I नॉट की जगह K बाई
फोर इंटू टू, आंसर क्या आएगा, के बाई टू इज द आंसर। तो समझ में आ रहा है कि के की फॉर्म में आंसर कैसे देना है। ठीक ठीक है, ऐसी ये पार्ट्स रिपीट करने हैं कब, जब आपको अब लैम्डा कितना के में, लैम्डा बाई थ्री और लैम्डा बाई टू। तो आप अपना आंसर आई की फॉर्म में निकाल लो और एंड में आई नॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, के बाई फोर पुट कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब और ट्रिकी है, एक बार पढ़ लो प्लीज। फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वन क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। इंटेंसिटी इज एज्यूमिंग आई नॉट बराबर है, तो ये फॉर्मूला तो मैं लगाऊंगा। देखो एक चीज तो क्लियर है, मुझे रेशियो ऑफ इंटेंसिटी निकालनी है। तो पहली इंटेंसिटी कहाँ पे लेनी है, एट द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। जैसे अगर ये दो सोर्स हैं और ये स्क्रीन है, ये सेंटर है, ये ब्राइट फ्रिंज है, तो ये सेंटर ले लेते हैं। सेंटर पे जो इस वेव के साथ होगा वही इस वेव के साथ होगा, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या ली जाएगी, जीरो। तो चलो पहली इंटेंसिटी में फाई को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट कर देना। तो एक इंटेंसिटी आ गई यहाँ पे, फोर आई नॉट आएगी। दूसरी इंटेंसिटी कहाँ लेनी है, दूसरी इंटेंसिटी लेनी है एट अ पॉइंट वन क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। मेरे हिसाब से इसको होना चाहिए वन क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। अब फर्क क्या है इसमें, देखो फर्क है जब वो लिखेगा ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस में फेज डिफरेंस क्या होता है, सेंटर वाले सेंट्रल के ऊपर क्या होता है फेज डिफरेंस, जीरो। फिर अगला ब्राइट फ्रिंज कहाँ आता है, टू पाई। अगला ब्राइट फ्रिंज कहाँ आता है, फोर पाई। अगला कहाँ आता है, सिक्स पाई, एंड सो ऑन। तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या आएगा, टू पाई। अगर सेंटर पे बन रहा था जीरो तो किसी पी पॉइंट पर क्या डिफरेंस आ जाएगा, टू पाई, यानी कि एक वेव का फर्क आएगा। तो टू पाई का मतलब अगर डिस्टेंस उनके बीच में लिया जाए, टू पाई का मतलब क्या होता है, लैम्डा। एक वेव का मतलब लैम्डा का फर्क आ जाएगा। जैसे सपोज करो डायग्राम से बनाता हूँ, डायग्राम से मान लो जो सेंटर का पॉइंट था
उस पे यहाँ पे जो वेव है और यहाँ पर वेव सेम है, जो अगला फर्स्ट पॉइंट आएगा मैक्सिमा का उसमें अगर ये एक वेव है तो यहाँ पर दो वेव बनेंगी, क्योंकि अगर ये लैम्डा है तो ये टू लैम्डा है, तो पार्ट डिफरेंस क्या आएगा लैम्डा, पार्ट डिफरेंस लैम्डा का फेज डिफरेंस क्या आएगा टू पाई। वो कह रहे हैं जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है वो वन क्वार्टर ले लो, तो फेज डिफरेंस भी वन क्वार्टर हो जाएगा, वन क्वार्टर का मतलब टू पाई बाई फोर यानी कि पाई बाई टू हो जाएगा। तो इसलिए इंटेंसिटी के फॉर्मूले में सेकेंड केस में यहाँ पर क्या पुट करेंगे पाई बाई टू, एक में पुट करेंगे जीरो एक में पुट करेंगे पाई बाई टू, फिर दोनों की क्या आएगी रेशियो। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ब्राइट फ्रिंजेस बोलना चाहिए था, और बोल भी देता तब भी एक बार अगर ना कर रखा हो तो करना थोड़ा मुश्किल है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, वही मैक्सिमम इंटेंसिटी और वही सेम चीज़ें हैं, जैसे कि इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमम इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। अब कंफ्यूज करेगा देखो आपको फिर से अगला न्यूमेरिकल, सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी जो हमने की थी वो फोर आई नॉट थी, वो क्या कह रहा है आई नॉट यानी कि आई मैक्स दे रहा है, आई मैक्स फोर आई नॉट की जगह क्या दे रहा है आई नॉट, तो आई नॉट। इंटेंसिटी एट अ पॉइंट फेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई सिक्स, तो अब पहले फॉर्मूला मॉडिफाई करो, हमने फॉर्मूला किया था इंटेंसिटी का आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, यहाँ पर आई मैक्स की वैल्यू कितनी लेने को बोल रहा है आई नॉट, तो यहाँ पर फॉर्मूले में फोर आई नॉट की जगह आई नॉट। अगर मैंने वो थ्योरी ना बताई होती तो बहुत लोग ये न्यूमेरिकल डाउट लेके आते हैं कि शायद फोर मिसिंग हो गया, फोर मिसिंग नहीं है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है। अब पहला केस है अगर पाथ डिफरेंस कितने है लैम्डा बाई सिक्स, तो लैम्डा का मतलब टू पाई होता है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा पाई बाई थ्री, पुट कर देना पाई बाई थ्री आंसर। दूसरे केस में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई फोर, लैम्डा का मतलब टू पाई, टू पाई बाई फोर क्या है पाई बाई टू, पुट कर देना इंटेंसिटी एंड सो ऑन, तो तीनों पार्ट हो जाएंगे। मतलब मेन पार्ट इसमें यही है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, पर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हैंडल करना है। ठीक, ये क्वेश्चन ईजी है, बात करता हूँ।